सो हाई फ्रेंड, तो कैसे हो? वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एस राइडर पार्ट्स होप फ्रेंड। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इस बाइक के ऊपर वीडियो है, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का वाइब्रेशन टेस्ट करने जा रहा हूँ। सो लेक्सी क्या कुछ होता है सारी चीज़ आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। सो देखते हैं वाइब्रेशन टेस्ट करके कितना वाइब्रेशन है, इसमें आपको दिखाऊंगा। प्लास्टिक का गिलास के अंदर पानी डाल के एंड टैंक के ऊपर सीट के ऊपर रख के आपको दिखाऊंगा कि कितना वाइब्रेशन है उसमें। आपको वाटर जितना वाइब्रेट करेगा वो देख के आपको पता चल जाएगा। सो चलते प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते। आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। चैनल पे अगर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल आइकन को भी ऑल में प्रेस करके रखना, क्योंकि इस बाइक के ऊपर बहुत सारा वीडियो आएगा। एंड इस बाइक के ऊपर कुछ भी वीडियो चाहिए तो भाई ये भी कमेंट करके मेरे को बोल सकते हो, मैं सारे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा भाई। सो चलते, आप वीडियो पूरा देखिए। बाय गाइस, अभी देख सकते हो इसी ग्लास पर, प्लास्टिक का ग्लास है, इस पर अभी पानी डालूंगा। दो छोटा छोटा बॉटल लेके आ गया हूँ। सो इस पर अभी पानी डाल के आपको दिखाता हूँ, और एक बॉटल है उसको भी डाल दूंगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा डालूंगा तो हो जाएगा। देख सकते हो कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हो। सो चलते पानी डाल लेता हूँ, आप देख सकते हो इससे ज़्यादा नहीं डालूंगा। सो देखते अभी वाइब्रेशन टेस्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा कैसा मतलब वाइब्रेशन है इस बाइक में, वो ही शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। सो चलते अभी देखते कितना वाइब्रेशन है। सो अभी यहाँ पर रख देता हूँ एक बार। सो गाइस, अभी यहाँ पर रख दिया हूँ टैंक पर, पहले टेस्ट करके देखता हूँ कितना वाइब्रेशन है टैंक का। सो की अभी ऑन कर लेता हूँ बाइक का, एंड इग्निशन को भी अभी ऑन कर दिया हूँ, किल स्विच को, एंड स्टार्ट करके देखता हूँ। आप देखो गाइस, चेकआउट कर सकते हो, थोड़ा बहुत कांप रहा है, उतना ज़्यादा नहीं कांप रहा है। सो ये आप चेकआउट कर सकते हो, मतलब रॉयल एनफील्ड क्लासिक वगैरह के साथ कंपेयर करा जाए तो उससे तो बहुत ही कम है। अभी जो वाइब्रेशन है बहुत ही कम कर दिया है। सो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, एनीदा साइड पर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, चेकआउट कर सकते हो गाइस। ऊपर की तरफ एक बार दिखा दो, मतलब थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा नहीं, जैसे कि क्लासिक वगैरह में थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन है। एंड इसमें आप देख सकते हो, मतलब जहाँ पर ग्लास है वहाँ पर ही है, कहीं पर भी इधर उधर नहीं जा रहा है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो चलते अभी आपको पीछे का जो सीट है, सीट पे रख के आपको दिखाऊंगा। सो उसके लिए मैं स्टैंड दे देता हूँ एक बार बाइक को। सो सीट पे अभी रख के दिखाऊंगा यहाँ पर, उसके बाद पिलियन पर, मतलब जो राइडर है उसको भी पता चल जाएगा कि मतलब कितना वाइब्रेशन राइडर को मिलता है। एंड जो पिलियन है, पिलियन का भी कितना वाइब्रेशन है वो भी आपको पता चल जाएगा। सो वो भी आपको दिखा देता हूँ गाइस। अभी आपको जो राइडर का जो सीट है यहाँ पर, अभी ग्लास को रख के देखूंगा कितना वाइब्रेशन राइडर को मिलता है। एंड उसके बाद पिलियन का जो सीट है यहाँ पर भी रख के आपको दिखाऊंगा ग्लास रख के कि पिलियन को भी कितना वाइब्रेशन मिलता है। सो अभी पहले राइडर का जो सीट है यहाँ पर रख के आपको दिखा देता हूँ गाइस। देख सकते हो यहाँ पर अभी रख दिया हूँ, एंड बाइक को अभी स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। इधर दिखाओ गाइस, चेकआउट करो, मतलब बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है यहाँ पर, चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, आई थिंक 100cc बाइक में भी इतना तो कांपेगा जरूर। सो गाइस देख सकते हो, मतलब राइडर सीट पे आपको दिखा दिया हूँ, कोई भी मतलब आप बोल सकते हो वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि 100cc बाइक में भी इतना तो वाइब्रेशन होता ही भाई। आप और एक बार दिखा दो, बिल्कुल भी नहीं कांप रहा है, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इधर साइड पे आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी थोड़ा सा पिकअप देकर आपको दिखा देता हूँ कितना वाइब्रेट हो रहा है। सो गाइस, थोड़ा सा पिकअप दिखा, मतलब एक्सेलेरेशन करके भी आपको दिखा दिया हूँ कि कितना वाइब्रेट हो रहा है। बस चलते अभी पिलियन के लिए दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पिलियन का जो सीट है, यहाँ पर अभी पानी का जो ग्लास है इसको यहाँ पर रखूंगा, रख के देखूंगा कितना वाइब्रेशन है। सो लेक्सी अभी यहाँ पर रख देता हूँ एंड बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ। आप देखो
गाइस थोड़ा सा एक्सेलेशन करके भी आपको दिखा दिया हूँ, मतलब ये जो सीट है राइडर का जो सीट है इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं दिखने को मिल रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। सो मतलब चल जाएगा, रीजन ये नहीं है, मतलब क्लासिक के साथ अगर कंपेयर करा जाए तो उससे तो बहुत ही कम है भाई। सो ये भी आपको बता दिया, ऐसे नॉर्मल बाइक में भी आपको वाइब्रेशन देखने को मिलता है, मिलता नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये रॉयल एनफील्ड का बाइक है इसके लिए ज़्यादा वाइब्रेशन है ऐसा वाला कोई बात नहीं है भाई। क्लासिक में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन है ठीक है, नहीं तो इसमें तो मेरे को तो ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं लगा। सो गाइस अभी ये जो पानी का ग्लास है प्लास्टिक का, इसको अभी इंजन के साइड पर रखूँगा एंड देखूँगा कि इंजन पर कितना वाइब्रेशन है। सो आप ये भी आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ, देख सकते हो अभी बिल्कुल इंजन के ऊपर रख दिया हो ग्लास, पानी का ग्लास, एंड अभी स्टार्ट कर दिया हो, कर देता हूँ बाइक को। गाइस चेकआउट करो, चेकआउट कर सकते हो गाइस, मतलब बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। एंड अभी थोड़ा एक्सेलेरेशन करके आपको दिखा दूँ, ऊपर पर जाकर आप देख सकते हो, मतलब मेरे को तो लग रहा है 10 सीट वगैरह से ज़्यादा इंजन पर वाइब्रेशन कम है। सो आप कमेंट करके बताना कहाँ पर वाइब्रेशन कम लगा आपको। कर लेता हूँ एंड सामने का जो मॉडगाट है वहाँ पर भी एक बार रख के दिखा दूंगा लास्ट वाला। गाइस अभी फ्रंट का जो मॉडगाट है बाइक का यहाँ पर अभी रख के आपको दिखाता हूँ वाइब्रेशन टेस्ट करके। सो अभी यहाँ पर रख देता हूँ ग्लास को सही से, एंड देख सकते हो अभी रख दिया हूँ यहाँ पर जो प्लास्टिक का ग्लास है, एंड स्टार्ट कर देता हूँ अभी बाइक को। सो अभी यहाँ पर दिखाओ थोड़ा सा सामने आकर ऊपर की तरह, गाइस चेकआउट करो एक बार, ज़्यादा वाइब्रेशन तो आपको मतलब देखने को नहीं मिलेगा इस बाइक में। सो ये तो प्रूफ हो गया है, आपके साथ शेयर भी कर दिया हूँ गाइस, अभी आपके साथ शेयर कर दिया हूँ इस रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का वाइब्रेशन टेस्ट करके। सो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड मेरे हिसाब से तो मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि इसमें आप मतलब आप अगर सोचोगे कि वाइब्रेशन ज़्यादा है तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये पूरा गलत है। मतलब क्लासिक वगैरह में हो सकता है, बट मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है क्लासिक वगैरह पे, जो मेरा बाइक है इस पर मैं टेस्ट करके आपको दिखा दिया हूँ, एंड जो रिजल्ट आया वो तो आपके सामने दिखा दिया हूँ वीडियो के थ्रू, एंड इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप मतलब बोल सकते हो ऐसे नॉर्मल बाइक में जैसा वाइब्रेशन होता है वैसा ही वाइब्रेशन है, ज़्यादा वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई। सो ये आपको बता दिया हूँ, एंड चलते हैं, वीडियो अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली लाइक कर देना, चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना माई चैनल पर इस राइडर पर, एंड मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया वीडियो लेकर आपके साथ। एंड इस बाइक के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो भाई कॉमेंट करके जरूर बताना, मैं सारे वीडियो लाऊंगा आपके लिए। सो चलते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सो बाय एंड बाय, हैव अ गुड डे गाइस।